गगन शेट्टी, गबरू शेट्टी और पता नहीं और दो तीन नाम होंगे ऐसे क्रिमिनल्स के, बहुत सारे नाम होते हैं जो फ्रॉड स्टार्स, चिप स्टार्स होते हैं, उनके बहुत सारे नाम होते हैं, तो वैसे ही तेरे भी बहुत सारे नाम हैं। सो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता तेरा कौन सा एक्चुअल रियल नाम है। रही बात मेरी आइडेंटिटी की, तो मैं बता देती हूँ, मैं वही हूँ जिससे तूने दिव्या को बोला था मेरा सोशल मीडिया ये सब हैंडल करने के लिए, एंड मैं तुझे फॉलो करूँ ताकि तेरा वेरीफाई हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या दैट इज मी। एंड लोग हंसेंगे जिस तरीके से तू बातें कर रहे हैं ना। और रही बात हमारे वीडियोस बनाने के लिए, या हम और उसके फैमिली वाले कुछ बोल रहे हैं इसके लिए फैंस नहीं बोल रहे हैं, ये तेरी बहुत गलत फहमी है। दिव्या को तूने भले ही डरा के रखा था कि वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बोले, वो अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोले, पर ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं शायद तू नहीं जानता है उन्हें, और स्पेशली उसके फैंस। दिव्या भले ही हमारे साथ उसने कुछ नहीं शेयर किया है, पर वैसे उन लोगों के साथ दिव्या ने हर एक इंसिडेंट जो तूने उसके साथ कैसे, कब, क्या सॉल्व किया है, हर एक चीज लिख के गई है, बता कर गई है, हर एक चीज का प्रूफ है हमारे पास। उन हर एक फैंस को पता है, क्योंकि फैंस के साथ वो चैट करती थी और वो बताती थी कि तू क्या करके गया है, समझा। सो ये जो सारे हमें चैट्स मिल रहे हैं उसके फोन से, उसके फैंस से, उसके उन फ्रेंड्स से जिनके बारे में तुझे कभी पता भी नहीं होगा, दिव्या ने बहुत लेट कर दी समझने में तुझे, और समझने के बाद भी वो सहती रहेगी इस आस में कि कहीं तू ठीक हो जाएगा, तू सुधर जाएगा, पर तू सुधरा नहीं, समझा। सब छोड़ दे, तेरा दोस्त तेरे खिलाफ है, तेरा दोस्त बोल रहा है कि तू कैसा है, तेरा दोस्त था जिसने दिव्या को तेरे गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताया था, समझा। वो भी तेरा साथ नहीं देगा, तो तू सोच तू किस तरीके का इंसान होगा, तू इंसान नहीं जानवर है तू, समझा, तू जानवर है। तू बॉम्बे में आने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए एक बेचारी भोली सी लड़की का तूने इस्तेमाल किया, उसे इतना मारा, इतना पीटा, इतना मेंटली स्ट्रेस किया, इतना फिजिकली असॉल्ट किया। गाइज यू विल गेट गूज़बम्प्स इफ आई विल टेल यू व्हाट ही हैज डन विथ हर। इट जस्ट दैट आप सोच भी नहीं सकते हो उसने क्या किया है दिव्या के साथ। बेल्ट से मारना तो बहुत नॉर्मल था, शादी के 3 दिन बाद ही उसका सर उसने फोड़ दिया था। इफ यू रिमेम्बर इंडिया फोरम में एक बार आया था कि वो बाथरूम में गिर गई थी करके, डेट वॉज दैट, वो भी वो लाइक फिजिकल असॉल्ट ही था। देन पैर में, हाथ में, आई हैव शेयर्ड फ्यू पिक्चर्स, एक ही पिक्चर अभी शेयर किया है, यू कांट इमेजिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया है। ही हर्ट हर लाइक एनीथिंग। और जिसके फादर गुजरे हैं, उस लड़की को अगर कोई डराए धमकाए रूम में बंद करके रखे और बोले कि अगर तूने अपने फैमिली को या किसी को भी कुछ भी बोला तो तेरे भाई को मार दूंगा, ही इवन सेड कि उसके पास बंदूक है, वो ये करेगा वो करेगा, सो बेसिकली ही इज ए क्रिमिनल, यू नो। सो बहुत सारी चीजें जो अभी धीरे धीरे बाहर आ रही है, एंड तू अगर इतना ही सही आदमी है तो दिव्या तेरा एनसी करवा के गई है, तू अगर सही है गलत नहीं है तो आ जा ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, आ जा पुलिस स्टेशन में, फिर वहां पे बात करते हैं ना पुलिस स्टेशन में, आ जा। तू इतना क्लेम कर रहा है ना कि तू अभी तक तू उभर नहीं, क्यों, तू तो अभी प्लानिंग बना रहा था, अभी तो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अच्छा वो वाले चैट्स भी शेयर करूँ क्या तेरे, जिसपे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग हुई है, वो मैसेजेस तुझे नहीं मिले थे दिव्या से, चल मैं शेयर कर देती हूँ, शायद तुझे दिख जाए, तेरी ही गर्लफ्रेंड्स ने दिव्या के साथ बाय द वे चैट किया है एंड फोन पे बात किया है, सो इफ यू वॉन्ट दैट ऑल्सो तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, चलेगा मुझे। एंड बाय द वे जो तेरी मम्मी के साथ बात हुई है दिव्या की फोन पे, वो सारे रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो तेरी बात हुई है वो सारे रिकॉर्डिंग्स भी है, सो डोंट वरी, एक एक करके मैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैं डालने वाली हूँ बहुत जल्दी।
अब इनफैक्ट आ ही जाएगा एक दो दिन में, देव डाल ही देगा आई थिंक, ऑलरेडी थोड़े बहुत तो डाल ही दिए हैं और एक एक करके सब आ जाएंगे। सो यू नो ये सब जो तू कर रहा है ना, अगर तुझे लग रहा है कि तूने जो किया है उससे तू यू नो एस्केप हो जाएगा, भाग जाएगा, और ऑलरेडी तुझे 10 साल की सजा लगी हुई है, बट वी ऑल आर ट्राइंग आर बेस्ट कि तुझे जिंदगी भर की सजा हो। सो अगर तुझे लगता है कि तू सही है सो चल कोर्ट पे जाके लड़ते हैं, फिर क्यों भागता फिर रहा है, क्यों भाग गया देहरादून से? मैंने तो सुना है देहरादून से तू भाग गया है, भागता फिर रहा है, छुप गया है, क्यों छुप गया है? चल पुलिस स्टेशन में आना, एनसी तो करके गई है, कुछ ज्यादा कुछ थोड़ी करके गई है, एनसी करके गई है, तू साबित कर तू गलत नहीं है, तू सही है। और जो दिव्या ने सबको इतना कुछ बोल के गई है वो सब पूरी दुनिया गलत है, तुझे क्या लगता है दिव्या ने मुझे कुछ बोला, उसकी मम्मी को कुछ बोला, उसके भाई को कुछ बोला? ना 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 ना, उसे पता था ना कि अगर हमें बताती तो हम तो तभी तुझे जेल की चक्की खिला देते, चक्की का आटा खिला देते। इसके लिए उसने उस वक्त नहीं बताई कि वो तुझे टाइम दे रही थी कि तू सुधर जाए, वो खुद चाहती थी कि वो खुद तुझे एक्सपोज करे, क्यों कहीं ना कहीं वो भी शर्मिंदा थी सबसे, क्योंकि सबने उसको समझाया था, वो समझी नहीं थी कि तेरे जैसे राक्षस के चंगुल में फंस गई वो, और वो आज हमारे बीच में नहीं रही। मे बी दैट वॉज ड्यू टू कोविड, बट जो तूने असॉल्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ तूने किया है। सो गाइज आई रियली वॉन्ट टू नो समथिंग फ्रॉम एवरी वन, फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम एवरी वन, कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, आप किसी को फिजिकली मेंटली असॉल्ट करते हो और वो इंसान एक स्टेप लेता है उसके अगेंस्ट में खड़े होने के लिए, जैसे कि दिव्या ने लिया एंड दिव्या ने एनसी करवाया है पुलिस स्टेशन में, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, बट अनफॉर्चुनेटली जो अब दिव्या हमारे बीच में नहीं रही है, तो क्या उस वो इंसान, वो एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान ऐसे खुले में उसको घूमने देना चाहिए? मतलब उसने जो इतने सालों में उसको जो तकलीफ दी है, जो असॉल्ट किया है, जो मेंटल असॉल्ट किया है, जो फिजिकल असॉल्ट किया है, उसका मतलब कुछ लेना देना नहीं है उसकी, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो फिर से जाके किसी एक लड़की को ऐसे ही फंसाए और फिर ऐसे ही करे? इज दैट सो? और इज दिस राइट? और डू यू रियली हैव समथिंग स्ट्रिक्टली अगेंस्ट यू नो दिस टाइप ऑफ पीपल जो सोचते हैं कि हम कैसे भी लड़कियों को बिहेव करें, कैसे भी कुछ भी करें? तो सून आई विल शेयर ऑल दोज मेल ड्राफ्ट ऑल्सो, जिसमें दिव्या ने ड्राफ्ट किया है इसके अगेंस्ट में कि उसने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, कब कब किया था, एवरीथिंग शी हैज मैंशन देयर। सो यू विल गाइज यू नो यू विल गाइज अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, एंड दिस इज वॉट वी आर डूइंग। दिस इज नॉट बिकॉज कि दिव्या अभी नहीं है तो अभी क्यों, एक्चुअली द थिंग इज दिव्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसने दिव्या की लाइफ नर्क बना दी थी वो ऐसे खुलेआम बाहर घूमते रहे। ही हैज टू गेट पनिश्ड, ही हैज टू गेट पनिश्ड गाइज। सो दैट इन दैट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने बोला था इज फ्रॉम हिमाचल शिमला, उस दिन मुझे ध्यान में भी नहीं था, बट एक्चुअली आई केम टू नो दैट ही इज फ्रॉम देहरादून। सो यस, एंड एक बात मैं और कहना चाहूंगी, बीच में भी देव आया था उसकी यहाँ पे काम पे लिए। यू कांट इवन बिलीव दैट ये आदमी ने देव को घर पे आने के लिए भी नहीं दिया है। सो दिव्या चुपचाप जाके उससे होटल में मिली है, यू नो। सो 10 दिन के लिए देव बॉम्बे आया था, जबकि ये इंसान, इस इंसान ने दिव्या को अपने दोस्तों से कट करवा दिया। ये इंसान दिव्या को रूम में बंद करके रखता था। सो यू नो, और ये सब वेरीफाई करने के लिए आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पास प्रूफ्स हैं विथ ऑल दी यू नो एविडेंसेस, लाइक मैसेजेस हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, हर एक चीज है। सो यस, मैं यही कहूंगी, बी सेफ, एंड ऐसे इंसान आपको जहां पे भी दिखे, जैसे भी देखे, प्लीज प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट इट। दिस इज वेरी नेसेसरी एंड दिस इज वेरी सीरियस। ऐसे क्रिमिनल लोगों को बाहर घूमने का हक नहीं है।
इनकी जिंदगी जेल के पीछे ही है और जेल में ही रहनी चाहिए। और रही बात तेरी गगन गबरू सेट्टी फेट्टी जो भी है तेरा नाम, तो इतना सही है ना, तो तू ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आ जाना, फिर वहां हम सब मिलके बात करेंगे। या मैं अभी इस हालात में भी नहीं हूं कि मैं किसे बात भी कर सकूं, पर क्या करूं, आप लोग को सच्चाई से रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह की बातें आजकल ये मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, जो लोग उठ उठ के अभी आ रहे हैं, जो कभी कहीं थे ही नहीं, कहीं खड़े ही नहीं थे, आज वो बहन बनकर जो आई है देवोलीना, उसके रिगार्डिंग, उसकी ही वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अरे अभी तक तो मैं यकीन भी नहीं कर पाया था कि दिव्या मेरे साथ नहीं है। उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया, उस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाया मैं अभी, और तुमने उसकी डेथ का मजाक बनाकर पब्लिसिटी लेना शुरू कर दिया। मैं उसके फैंस को गलत नहीं बोलता जिन फैंस ने उस पर रिएक्ट किया है, क्योंकि उनका रिएक्शन कोई गलत नहीं था, जैसा उनको दिखाया गया उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। मुझे गालियां दी, मुझे कमेंट्स किए, मुझे डीएम किए, मेरे लिए स्टोरीज डाली, गलत बोला। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, मेरी शिकायत और मेरा टारगेट तू है देवोलीना, मैं तुझसे बात करने के लिए आया उस वीडियो में। जो तू बात कर रही है, तूने खुद अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया कि तू 4 साल से दिव्या के टच में नहीं थी। 4 साल नहीं, लगभग 6 साल से तो तेरे को मैंने दिव्या के इर्द गिर्द नहीं देखा, सिवाय एक दिन के, जिस दिन तू दिव्या से मिलने के लिए मेरे घर पर आई थी, जब मैं वहां अवेलेबल था, तू मैं और दिव्या, तब तूने मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करी। जो तू आज मीडिया के अंदर ये बातें बोल रही है कि मैं उसे मारता था, पीटता था, अब्यूज करता था, मेंटली टॉर्चर करता था, तब तूने मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात क्यों नहीं करी। और वो देव भटनागर जो आज ये बातें बोल रहा है कि कबर से लेटर मिला है, तब तू कहां था भाई 6 साल से? तब तुझे कोई तेरी बहन लेटर लिख के नहीं भेजा कि मैं परेशान हूं, आ जा मुझसे मिलने? हां आज तुझे उसकी कबर से लेटर मिल रहे हैं? लेटर का तुम्हें तो रजिस्टर ही मिलेंगे अभी, फिर तुम्हें क्या क्या मिलेगा अभी? क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि दिव्या इस तरह की कोई चीज कर सकती है, लिख सकती है, क्योंकि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं हमारे बीच। और तुम जो झूठ लेकर आ रहे हो ना मीडिया में सिर्फ फेमस होने के लिए, जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं और तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा मैं। और जो तू ये औकात औकात की बात कर रही है देवोलीना, तुझसे कहीं गुना अच्छी औकात है मेरी, कहीं गुना ज्यादा औकात है मेरी। और कम से कम किसी की डेथ का मजाक बनाकर मैं ये पब्लिसिटी नहीं बटोरता फिरता। पब्लिसिटी की जरूरत है तुझे, मुझे नहीं। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो मुझे जरूरत पड़ी पब्लिसिटी की, समझी? ये चीज जरूरत पड़ती तुम लोगों, तुम जैसे लोगों को, तुम लोग को जरूरत है इन चीजों की। तभी तू ये सब कर रही, तभी तू हर जगह छाई पड़ी आज मीडिया में। तब कहां थी ये बहन जब दिव्या को जरूरत थी? तब कहां थी बहन जो आज कूद कर आ रही है बीच में? तब तू कहां थी जब दिव्या सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी? तूने असली साथ दिव्या का इसलिए छोड़ा था क्योंकि दिव्या के पास काम नहीं था, उसे पैसों की प्रॉब्लम थी, कहीं वो तुझसे कोई फाइनेंशियली हेल्प ना मांग ले, तूने उससे किनारा कर लिया। और आज तू कूद के बीच में आ गई और एक नकली आंसू भाव आके दुनिया को दिखा रही है। अरे शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर, तू भी और देव भटनागर भी और उसकी मां भी, जो ये झूठ तुम लोग बोल रहे हो मीडिया में आके, जो ये आर्टिकल्स डाल रहे हो, जो ये वीडियोस बना रहे हो, सही नहीं कर रहे हो तुम लोग ये। तू मुझे मेरे पास्ट के बारे में बात बता रही है, तू होती कौन है मुझे बताने वाली पास्ट के बारे में? दिव्या को मैंने एक्सेप्ट किया उसका पास्ट जानने के बाद, उसने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा पास्ट जानने के बाद। हु आर यू टू कम इन बिटवीन अस देवोलीना? तेरे को आंसरेबल नहीं हूं मैं किसी चीज के लिए, तेरा दिया नहीं खाता मैं, समझी तू? जो बेकार की बात है तू ये वीडियो में बोलती फिर रही है, नकली आंसू बातें फिर रही है। तब कहां थे ये सारे लोग, उसकी मां, उसका भाई और ये देवोलीना जो आज कूद कर आ रही है बीच में वीडियो बना रही है, तब कहां थी ये जब दिव्या को सच में जरूरत थी तुम लोग की? तब कहां थे तुम लोग? तब सिर्फ दिव्या के साथ खड़ा था मैं और दिव्या के कुछ दोस्त, जिनकी मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, जिन लोग को हमारा रिश्ता पता था, हम लोग कितना अच्छा रिलेशन चला रहे थे, उन लोग का हमारे घर में आना जाना था, हमारा उनके घर में आना जाना था, सब पता था उन लोग को। ये दोस्त कब से उड़कर आई, कहां से आई थी बोले नहीं तो मुझे पता ही नहीं है।
क्योंकि पिछले 6 साल तेरे तो अता पता ही नहीं, तू ठीक है तो तू आज ये देख लिया आंसू भारी है, तो दिखा रही है प्यार, दिखा रही है मोहब्बत, दिखा रही है अपनी बहन के लिए, आज तेरी बहन बन गई वो। तब तू बहन कहां थी जब वो प्रॉब्लम्स में खड़ी हुई थी, जब वो कर्जों में डूबी हुई थी अपने परिवार की वजह से, तब उसका गोल्ड गिरवी रखा हुआ था, तब तू कहां थी बहन? और तब कहां था ये भाई जिसके 500-500 के रिचार्ज मैंने और दिव्या ने कराए हैं, जिसका सिबिल भी देव भटनागर की वजह से खराब हुआ था, जो किस्तें नहीं भर पा रहा था गाड़ियों की, अपने मोबाइल तक की तू किस्त नहीं भर पा रहा था, iPhone 10 जो तूने खरीदा था, हाँ शर्म आती है तेरे को? तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं, और तीसरा दिव्या की मां की, जो मेरे घर पे कब्जा करके बैठी है तेरे साथ देव भटनागर। वो आशियाना मेरा है और दिव्या का है, वहां पे एक एक तिनका तिनका मेरा है और दिव्या की मेहनत का है और मेरी मेहनत का है। हम लोगों ने मिलकर संजोया था, हमने मिलकर वो घर बनाया था जिसमें तुम आज कब्जा करके बैठे हुए हो। मैं चाहता तुम्हें लीगली उसी दिन बाहर निकाल देता जिस दिन मैं पचरा तुम मेरे घर में एंटर करे हो, पर मैंने सिर्फ दिव्या की शक्ल देख के चुप रह गया। मैंने कहा नहीं, अभी उसकी तबियत खराब है, मैं उसको और हर्ट नहीं करना चाहता, उसकी तबियत नहीं बिगाड़ना चाहता, इसलिए मैं तुम पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। और तुम लोगों ने क्या समझा मैं चुप बैठ जाऊंगा तुम्हारी बकवास सुनकर? मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा? अरे जब मैंने कुछ गलती करी नहीं तो मैं डरूंगा क्यों? तुम्हारी बातों का जवाब देने इस वीडियो में मैं आया हूं। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी मुझे मिलने दो। 29 तारीख तक वीडियो में मेरी उससे बात हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में। मैसेज किया उसने मुझे, हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, तुझे क्या लगता है बॉम्बे में अवेलेबल नहीं था? मैं घर पर नहीं रह रहा था सिवाय सिर्फ दिव्या की वजह से, लेकिन मैं होटल में अवेलेबल था वहां पर अपना घर होते हुए भी, और दिव्या की हर पल पल की खबर मैं रख रहा था और हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था कि दिव्या ठीक होकर बाहर वापस आएगी, पर दिव्या वापस नहीं आई। और तुम्हें क्या लगा मैंने उसके अंतिम दर्शन नहीं किए? मैंने उसके अंतिम दर्शन किए क्योंकि वो भगवान मेरे साथ था। तुम लोगों ने मुझे दिव्या से मिलने तक नहीं दिया। हॉस्पिटल में मैंने हंगामा तक काट दिया, डीन तक से मिला मैं, लेकिन किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। तुम लोगों ने पूरे स्टाफ को मना कर रखा था मुझसे बात करने के लिए, वीडियो कॉल कराने के लिए, कॉल कराने के लिए, और हर बात का प्रूफ है मेरे पास। तुम लोग खा गए मेरी दिव्या को। अगर मैं वहां अवेलेबल होता ना, मुझे काम से बाहर ना होना पड़ता, तो शायद दिव्या हमारे साथ होती, मेरे साथ तो होती। तुम लोग की तो औकात भी नहीं उन लोग के साथ रहने की, दिव्या के साथ रहने की। आज मेरे साथ खड़ी होती और तुम्हारी बातों के जवाब तुम्हें वो दे रही होती मुंह तोड़कर, क्योंकि दिव्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो तुम उसके बारे में ये फैला रहे हो ना। उसने नोट छोड़ा, वो परेशान थी, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको अब्यूज किया, उसको ये किया, जो तुम मीडिया में छा रहे हो ना, इससे दिव्या भी खुश नहीं होगी। शर्म कर ले देव तेरी बहन की ये दुनिया छोड़कर। और जो तू ये दोस्त बनी फिर रही है ना, तू दोस्त कहने लायक भी नहीं है देवोली ना, क्योंकि तूने दोस्ती वाले कोई काम नहीं किया आज तक। कम से कम 6 साल मेरे साथ तूने कोई ऐसा काम नहीं किया। कहां तूने मदद करी दिव्या की ये बता दे मुझे, एक बार बता दे तूने कहां मदद करी, और तूने कहां मदद करी देव भटनागर, और तूने कहां मदद करी बता मुझे। और ये टॉली भटनागर जी, आपने कहां मदद करी आप बताइए मुझे दिव्या की? वो तुम लोग कर करके ही मर गई, तुम्हें कदर नहीं है उस लड़की की। और आज तुमने कीचड़ उछाल दिया हमारे रिश्ते के ऊपर, उसको अलग एंगल दे दिया, उसको ये दिखा दिया कि मेंटली टॉर्चर में करता था उसको। अरे COVID-19 से गई है वो, उसके डेथ सर्टिफिकेट तक में ये लिखा हुआ है। देव भटनागर तुमको तो पता है, तू सर्टिफिकेट लेकर आया हॉस्पिटल से, तुझे क्या लगा मुझे रिपोर्ट नहीं मिलेगी? मेरे पास भी सब प्रूफ है, ये मत सोचना प्रूफ नहीं है मेरे पास हर चीज के। कौन से स्ट्रेस से COVID-19 होता है? जिन लोगों ने अपने खोए है ना दर्द, उनको होता है। और तेरी भी अपनी गई थी, लेकिन तेरे को दर्द दिखाई नहीं दे रहा, तेरे चेहरे पे दर्द नहीं दिखाई दे रहा, तू उससे पब्लिसिटी ले रहा है देव भटनागर और ये देवोली ना तो खासकर, और तू भी, तुम दोनों ही मेन हो जो पब्लिसिटी बटोर रहे हो दिव्या के नाम से आज की डेट में। उसको पहले से तबियत खराब थी, उसकी बीपी की प्रॉब्लम थी, उसको शुगर था, इस वजह से फाइट नहीं कर पाई वो COVID-19 से। मीडिया में हर जगह न्यूज में छप रहा है COVID-19, और तुमने उसको अलग एंगल देकर रख दिया, तुमने हमारे रिश्ते को बदनाम कर दिया, हमें गलत दिखा दिया। तुम्हारी वीडियो जिस टोन में तुम लोगों ने मुझसे बात करी है ना, तूने खासकर देवोलीना, तेरी बात का जवाब देने इस वीडियो में आया था, और उसी टोन में तुझे जवाब देके जा रहा हूं मैं, और जिस तरह से चाहिए ना वैसे जवाब तेरे को दूंगा मैं।